हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पल्लवी आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। और अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो इसलिए मैं सिंपल ही खाना बनाने जा रही हूँ। ज़्यादा तेल मसाला वाला तो गर्मी में खाने में अच्छा नहीं लगता है और नुकसान भी करेगा, इसीलिए मैं बहुत ही सिंपल खाना बनाने जा रही हूँ लंच में। यहाँ मैंने लिया है दाल, तो मैंने दो तरह की दालों को मिक्स किया है, रहर की दाल, मसूर की दाल, और लिया है चावल। तो दाल चावल बनाऊंगी और साथ में आलू प्याज टमाटर की भुजिया बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने आलू को बारीक बारीक लंबे लंबे पीसों में काटा है और टमाटर लिया है वो भी बारीक बारीक काट लिया है। इधर मैंने प्याज लिया है, प्याज को भी काट लिया है, मिर्ची भी काट लिया है। और दाल को छौंकने के लिए मैंने यहाँ पे प्याज और टमाटर को बारीक बारीक काटा है, और फ़ोरन के लिए ज़ीरा और सूखा मिर्चा लिया है। तो मैं सभी चीज़ों को काट के पहले से ही तैयार करके रख दिया है, अब मैं इसे बनाऊंगी। सबसे पहले मैं दाल को अच्छे से धो लूँगी, धो करके तब मैं इसको गैस पे बैठा दूँगी। यहाँ मैंने दाल को गैस पे रख दिया है और इसका अभी मैंने इसमें हल्दी नमक नहीं ऐड किया है, क्योंकि जो दाल का फेना होता है पहले मैं उसको निकाल के फेंक दूँगी। उससे जो है क्या होता है कि दाल में थोड़ा मीठापन आता है, टेस्ट और बढ़ जाता है। और उसको निकालने के बाद मैं इसमें हल्दी और नमक ऐड करूँगी। इधर मैंने बैठा दी है कढ़ाई और इसमें डालूँगी सरसों का तेल। जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा मैं इसमें डाल दूंगी कटी हुई हरी मिर्च। मिर्च मैंने डाल दिया है, अब मैं डालने जा रही हूँ आलू। आलू डाल दिए हैं, अब मिक्स कर दूंगी। थोड़ा सा हाई फ्लेम पे मैं इसे ब्राउन होने तक, हल्का सा ब्राउन होने तक छोड़ दूंगी। उसके बाद मैं इसमें प्याज ऐड करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये जो फेना है मेरा दाल का, इसको मैं निकाल के फेंक दूंगी। मैंने सारे फेना को निकाल के फेंक दिया है, अब मैं इसमें ऐड करूंगी हल्दी और नमक स्वाद के अनुसार। देखिए फ्रेंड्स, हल्दी नमक ऐड करने के बाद मैंने इसका ढक्कन लगा दिया है और दो सीटी तक आने तक मैं वेट करूंगी। दो सीटी में हमारी ये दाल बन जाएगी। और इधर मेरा आलू भी ब्राउन हो चुका है, तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी प्याज। क्या हुआ, प्याज भी मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं प्याज को भी थोड़ा सा ब्राउन होने के बाद इसमें हल्दी और नमक ऐड करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ हल्दी और नमक। हल्दी रंग के अनुसार और नमक स्वाद के अनुसार ऐड करना है, और मैं इसको मिक्स कर दूंगी। इधर मेरा कुकर भी सीटी मारने ही वाला है।
मेरा कुकर एक सीटी मार दिया है। और इधर मैं अब भुजिया में टमाटर ऐड करूंगी, इसको भी मिक्स कर दूंगी। दाल में दो सीटी लग चुका है, मैं इसे ऑफ कर दूंगी। और जब तक ये ठंडा नहीं हो जाएगा तब तक मैं इसे नहीं खोलूंगी। थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब मैं इसे खोलूंगी। अब मैं भुजिया को 2 से 3 मिनट तक ढक करके पकाऊंगी। मैंने भुजिया का फ्लेम कर दिया है लो और इसे ढक दूंगी। 2 से 3 मिनट तक ढक करके पकाऊंगी ताकि जो टमाटर प्याज हमारा है अच्छे से आलू के साथ मिक्स हो जाए, गल जाए। एक बार कर लेती हूँ चेक। लगभग मेरा भुजिया बनके तैयार हो चुका है। 2 से 3 मिनट तक और पकाऊंगी, उसके बाद इसको बंद कर दूंगी, गैस ऑफ कर दूंगी। देखिए दाल भी मेरा बन के रेडी हो चुका है, अब मैं इसे छौंक दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, दाल छौंकने के लिए मैंने फिर से कढ़ाई गरम किया है। उसमें डाला है 2 चम्मच तेल और तेल मेरा गरम हो चुका है। और अब मैं इसमें डालूंगी ये फोरन, जीरा और सूखा मिर्चा। सूखा मिर्चा से दाल छौंकने पर दाल का जो टेस्ट है सोन सोन लगता है, तो अच्छा लगता है, उसका टेस्ट बढ़ जाता है सूखे मिर्चे से। जीरा जैसे ही थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा मैं इसमें प्याज ऐड करूंगी। ब्राउन हो चुका है, अब मैं इसमें प्याज ऐड करूंगी। प्याज को भी ब्राउन होने दूंगी। प्याज को भी 2 से 3 मिनट तक ब्राउन होने दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, प्याज भी मेरा अच्छे से ब्राउन हो चुका है। मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी। टमाटर को भी 2 से 3 मिनट तक पकने दूंगी ताकि ये थोड़ा सा गल जाए। देखिए फ्रेंड्स, टमाटर प्याज मेरा दोनों अच्छे से गल गया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी दाल। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से दाल में छौंका लगाया है, तो ये ऐसे ही बहुत टेस्टी लगेगा खाने में। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो फ्रेंड्स, इधर मैंने चावल भी धो करके बैठा दिया है और इधर दाल भी मेरा हो गया है।
देखिए फ्रेंड्स, मेरा लंच बन के रेडी हो चुका है और मैंने इसको सर्व कर लिया है। दाल, आलू प्याज टमाटर की भुजिया, और इधर है पापड़ और चावल, थोड़ा सा सैलेड। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल पे आपको देसी खाना ही देखने को मिलेगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।